हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 उसकी शुरुआत करेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप उसके पास है। बाद में क्या है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, तो एक वर्टिकल पोल हम पहले बनाएंगे, ये रहा वर्टिकल पोल, और यहाँ से स्ट्रेच करके मतलब एकदम खींच के एक रोप, ठीक है, रोप उन्होंने खींचा हुआ है यहाँ पे, पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ ग्राउंड तक वो क्या हो रहा है, टच हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ये हमारा पोल था, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप एंगल मेड बाय द रोप एंड विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये उन्होंने क्या बोला है, 30 डिग्री। चलो, और कुछ दिया है उसके अंदर, 20 मीटर लॉन्ग रोप है ना, ये कितना है 20 मीटर। अभी देखो, ट्रायंगल कहीं पे बन रहा हो, ठीक है, ये 90 डिग्री बनना ज़रूरी है। पहली बात, अगर ट्रायंगल बन रहा हो 90 डिग्री हो और कोई भी एक एंगल दिया हो और कोई भी एक साइड दी हो, क्या हो, कोई भी एक एंगल और साइड दी हो, तो बाकी की तीन टोटल, मतलब टोटल जो तीन है वो साइड हम फाइंड आउट कर सकते, बाकी जो बची दो। ठीक है, यहाँ पर तो हमें सिर्फ पोल का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, यहाँ पर मैं अगर मैं cos 30 लगाऊँ तो मेरे दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ, इसको मैं z ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं cos लगाऊँगा तो z बाय y हो जाएगा, तो मेरे को z तो फाइंड आउट करना है नहीं, मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं क्या लगाऊँगा, सीधा दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस किस में आएगा, x बाय y साइन में आएगा। तो मैं सीधा लिख दूंगा कि ना ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम ए बी एंड सी इन ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखो साइन थर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई। चलो साइन थर्टी की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, फाइंड आउट करना है हमें, वाई क्या दिए, 20 दिए। चलो, मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। तो x हमारा 10 मीटर हो गया, मतलब पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर की होगी। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो मतलब कोई ट्री है यहां से, ये रही ट्री। क्लियर है? तो स्ट्रॉम आया, मतलब स्ट्रॉम की वजह से क्या हुआ, वो टूट गया, तो टूटने से क्या होगा, कट होगा एक जगह से यहाँ से, तो इतना जो पार्ट था वो गिर जाएगा इस तरह से, तो वो गिर गया समझो। ठीक है, वो ग्राउंड पे टच हो गया। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। चलो यहाँ पे कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे। क्लियर? चलो और कुछ, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री मतलब ये हमारा पूरा ट्री था, उसका फूट ये रहा, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ठीक है, वेयर द टॉप टचेस एट द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये जो है यहाँ तक का डिस्टेंस उन्होंने क्या दिए, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, पूरी हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड हो गया। तो चलो इसको ए दे देते, दे, इसको बी देते, दे, इसको सी देते, दे, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ट्री की हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो ये भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ ऐड होगा ना इसके लिए। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देते। चलो, तो क्या लगाएंगे, पहले साइन लगा दूँ, साइन लगा तो दिस अपन दिस हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या लगाऊँ मैं, कॉस 30। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख देने की, ट्राइंगल ए बी सी, दिस एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 हमारे पास क्या मिलेगा, वाई बाय जेड। चलो कॉस 30 मेरे पास क्या मिलेगा, √3/2। चलो वाई मेरा क्या है, 8 है, और जेड मेरा कुछ भी अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो जेड जो ये हमारा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2/√3, मतलब 16/√3 हमें आंसर मिलेगा हमारा जेड। क्लियर है? चलो, अभी जेड मिल गया, अभी हमें एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या लगा दूँ मैं, सीधा साइन लगा दूँ। चलो साइन 30 क्या हो जाएगा, x बाय जेड।
चलो साइन थर्टी की वैल्यू 1/2, एक्स मेरा क्या है अभी मिला नहीं है, जेड मेरा क्या है 16/√3, तो 16/√3 ठीक है। चलो यहाँ पे 8 आ जाएगा 8/√3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। चलो x मिल गया, y दिया हुआ था और z मिल गया ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्री की लेंथ। तो ट्री की लेंथ ये x है, ये y, z यहाँ पे चला जाएगा, तो x प्लस z क्या हो जाएगा पूरी ट्री की लेंथ। तो ट्री लेंथ इज इक्वल टू x प्लस z, x मेरा क्या है 16/√3 प्लस, चलो दूसरा क्या है z मेरा, सॉरी 8/√3 ना, 8/√3, और ये क्या है 16/√3। चलो 16 + 8 = 24, तो 24/√3 हमारा आंसर ठीक है। पर नीचे रेशनल नंबर हम रखते नहीं है, तो √3 √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 24/3, और यहाँ पे √3 था, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर ठीक है। जो दो ट्री की लेंथ होगी वो कितनी होगी 8√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू उसमें दी होगी 1.73 अगर लेना हो तो ले सकते हो ठीक है, उसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है इसमें एंगल फाइंड आउट, एंगल तो हमें दिया होगा कुछ भी, और एक साइड दी होगी बस, उसका हेल्प करके हमें क्या करना है दूसरी साइड से हमें फाइंड आउट करनी है।